हेलो दोस्तों, सरोज अकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गेंद जैसी गोल गोल, रुपये जैसी पूरी पूरी, रूही जैसी सॉफ्ट रोटी। दो लोगों के लिए कैसे बनाए परफेक्ट तरीका, पूरी प्रोसेस देखेंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। दो लोगों के लिए रोटी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी, जो मीडियम साइज की अपन कटोरी लेते हैं ना सब्जी की, उतना आटा लिया और आटे को छान लिया। अब बारीक कन के आटे की रोटी बनाते हो तो बारीक कन वाला आटा ले लीजिएगा, और मोटे कन वाला आटे की रोटी बनाते हो तो मोटे कन वाला ले लीजिएगा। गाँव में तो मोटे कन की बनाते हैं और शहर में ये ज़्यादा बारीक कन वाला आटा लेते हैं, क्योंकि ये मार्केट से खरीद कर लाते हैं और गाँव में ऐसे पीसते हैं। और एक चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है, और मैंने भी यहाँ पर बारीक कन वाला ही आटा लिया है। सॉरी, एक चम्मच नहीं, मैंने यहाँ पर हाफ चम्मच नमक ऐड किया है, क्योंकि फिर एक ज़्यादा नमक डालने से फिर ज़्यादा नमक हो जाएगा। और अभी इसमें पानी डालकर इस आटे को गूंथ लेंगे। लेकिन बारीक कन वाला आटा है तो थोड़ा अपन धीरे धीरे ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है। और अब इसे गूंथ लेंगे। गूंथना कैसे है, आपको हाथों को यू करना है और ऐसे करके मिक्स करना है। अब देखिए, मैं दो लोगों के लिए आटा लगा रही हूँ, फिर भी इतनी बड़ी परात ली हूँ और इसी में आटा लगा रही हूँ, क्योंकि आटा अपना परफेक्ट और अच्छा लगना चाहिए, तभी अपनी रोटी परफेक्ट बनेगी। अब इस आटे को गूंथ लेंगे। सारा पानी मैंने आटे में मिक्स कर लिया और आटा गूंथ लिया है, और ये देखिए कितना सॉफ्ट अपना आटा लगा है। अब मैं इसे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ूंगी, बस इसे इसे कलेक्ट करेंगे, एक जगह इकट्ठा करके परात में रख लेंगे इसे। अभी मीडियम साइज की मैंने छन्नी ली है, जैसे मैंने एक कटोरी बताया तो आपको इतनी ही आपको छन्नी आटे की लेनी है, अगर आप छन्नी के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्राई आटा लूंगी, क्योंकि ये भी मैंने छान रखा है, और जो आटा लिया है वो भी मैंने छान कर लिया है, तो दोनों के लिए आटा आपको छान कर ही लेना है। ऑन करके एक तवा लेंगे और तवे को अच्छे से गर्म करेंगे, और यहाँ पर जो मैंने आटा गूंथा है उसमें से एक छोटी सी लोई लेंगे, क्योंकि पतले जो बारीक कन वाला आटा होता है उसकी पतली रोटी अच्छी लगती है, और मोटे कन वाले की मोटी रोटी अच्छी लगती है। और इसे ऐसे षटकोण की तरह गोल गोल कर लेंगे। जितना अच्छा अपन षटकोण गोल करेंगे उतनी ही रोटी अपन गोल गोल बेल पाएंगे, किसी शेप कटर शेप इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रोटी वैसे ही गोल गोल बनेगी। अब देखिए लोई बिल्कुल गोल बनी है ना, जैसे मैंने बताया षटकोण बनाओगे तो। और यहाँ पे मैंने चकला लिया है, इस रोटी को बेलन्स ऐसे बेल लेंगे। अब ये देखिए, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, मैं ना तो इस रोटी को बार बार टच कर रही हूँ ना ही पलटने की जरूरत, ये अपने आप ही गोल घूमते घूमते गोल बनते जा रही है। और हल्के हाथों से करना है आपको ऐसे, और ऐसे पूरी रोटी बेल लेना है। ये देखिए बिल्कुल गोल मटोल अपनी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे ऐसे उठाना है और हल्का सा ऐसे इसका ये जो ड्राई आटा है वो ऐसे झाड़ लेंगे, और इस हाथ पे ऐसे रखेंगे और इस हाथ ऐसे इस पर पलट देंगे तवे पे। अब ये देखिए थोड़ी सी, जैसे ऊपर से मैंने ज्यादा ऊपर से डाला तो एक बार अपन फिर से उठाएंगे और हल्की सी कच्ची सेकेंगे, जैसे यहाँ से सीखी है ना वैसे चारों तरफ से हल्की हल्की कच्ची सेकेंगे। और जैसे हल्की सी पकेगी अब अपन इसे पलट देंगे, और वो तैयार हुई है, और ये सेकेंड रोटी अपनी तैयार हो चुकी है। अभी इसे सेकेंगे, लेकिन पीछे से आपको अच्छे से सेकना है, इतनी कच्ची नहीं रखना है। और ये देखिए पीछे से अच्छे से सीख चुकी है, अब इसे पलट देंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे, इसे टच वगैरह नहीं करेंगे, और इसे खुद ही अपने आप ही फूलने देंगे। और ये देखिए अपने आप ही ये फूलना स्टार्ट हो गई है। मान लीजिए ये थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रही हूँ, वैसे तो ये फूल जाएगी, वैसे हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा था वैसे ज्यादा टाइम लगा रही है, वैसे हाथ से हल्का सा इसे टच कर देंगे तो ये देखिए रोटी अपने आप ही पूरी गुब्बारे जैसी फूल जाएगी। रोई जैसी सॉफ्ट रोटी और गुब्बारे जैसी फूली हुई अपनी रोटी तैयार हो चुकी है, और इसे हल्का सा इसे गोल गोल घुमाएंगे। तो इसे एक प्लेट में डालकर इस पर लगाएंगे देसी घी, गरम गरम रोटी पर देसी घी लगाएंगे ना तो ये ज़्यादा देर तक रहेगी सॉफ्ट और नरम, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सरोज शर्मा मिलती हूँ एक ऐसी नई रेसिपी और एक नए टेस्ट के साथ।